हेलो एवरीवन आज मैं आपके का ऐसा टॉपिक बताता हूँ जिससे बेसिकली इस साल ट्वेंटी ट्वेंटी में ट्वेंटी वन में क्वेश्चन आया था वो देखिए जरा क्या है टिशू कल्चर तो टिशू कल्चर क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं जल्द से तो भाई एक ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक है इट एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल टू कीप पेज विमांड टू प्रोवाइड सफिशियंटली फास्ट एंड एफिशियंट सिस्टम फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट अन अदर टेक्नोलॉजी कॉल टिश्यूकल्चर गॉट डेवलप तो बोलना चाह रहा है कि भाई uh, जैसे ऐसे टाइम बढ़ता गया पॉपुलेशन बढ़ती गई पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो गया जो अनाज की बढ़त मतलब अनाज की जो खपत है वो बढ़ती गई तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए जो तर, जो पुराने तरीके थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे मतलब सफिशियंट तरीके से हम पूरे नहीं कर पा रहे थे तो एक नया तरीका अपनाया गया जिसको कहा कहा गया है टिशू कल्चर डेवलप हुआ ठीक है वट डज वट डज टिशू कल्चर मीन इसका मतलब क्या होता है इट वॉज़ लर्न बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग नाइनटीन फिफ्टी दैट होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट मतलब पूरा एक नया प्लांट जनरेट किया जाता है कहाँ से एक्स प्लांट सभी एक्स प्लांट क्या होता है एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट टेकन आउट एंड ग्रो इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रन मीडिया मतलब आप एक प्लांट के पर्टिकुलर पार्ट part को लो और उसे एक स्टराइल मीडिया में डालो और वो सारी कंडीशन दो जिससे प्लांट ग्रो करता है दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी एक्स एनी सेल एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटी पोटेंशी अगर कोई भी कोई भी अगर मान लो किसी प्लांट का टिश्यू लेकर अगर उस टिश्यू से पूरा एक नया प्लांट बना सकते हैं तो उस एबिलिटी को हम बोलते हैं टोटी पोटेंशी मतलब दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटी पोटेंशी यू वी लर्न हाउ टू अकम्पलिश दिस इन हायर क्लासेस आप आगे पढ़ेंगे इट इज़ टू स्ट्रेस हेयर दैट द न्यूट्रेन मीडियम मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स सच एज सुज आप जब भी इन्हें ग्रो करवाते हो तो उसके लिए आपको न्यूट्रियन देना पड़ता है न्यूट्रिय में क्या क्या दे सकते हैं तो इसमें बता रखा है न्यूट्रियन में आप इसमें कार्बन सोर्स कौन सा है कार्बन सोर्स न्यूट्रन कौन सा है सुक्रोज हो गया एंड ऑल्सो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वाइटामिन हो गए अमीनो एसिड्स हो गए एंड ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्जीन साइटोकनइंस एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें हम डालते हैं ठीक है थेके? जिसे प्लांट ग्रो करता है ये न्यूट्रिएंट मीडियम हो गया आगे बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इज़ इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपिगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इस मेथड से क्या होता है हम कम समय में बहुत सारे प्लांट ग्रो करवा सकते हैं दिस मैथड इज दिस दिस मैथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपिगेशन मतलब आप बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को ग्रो करवा सकते हो इस मेथड से तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या है माइक्रो प्रोपगेशन ठीक है आगे ईच ऑफ दिस प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट अब जो ये प्लांट बनते हैं ना जो थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड प्लांट बनते हैं ये सारे के सारे प्लांट बोल सकते हो कि ये आइडेंटिकल होते हैं जेनेटिकली मतलब इनका जीन, जो जीन होता है बिल्कुल आइडेंटिकल होता है तो जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं दे आर क्लोन्स इन सबको क्या बोलते हैं सोमाक्लोन्स बोलते हैं मैनी इम्पोर्टेंट फूड प्लांट लाइक टोमेटो बनाना एप्पल एट्सट्रा हैव बीन प्रोड्यूस ऑन कमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मैथड हम इस मैथड से बहुत सारे प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं अब आता है ट्राई टू विजिट अ टिशू कल्चर लेबरेटरी विद योर टीचर मतलब बोलना चला कि भाई अपने टीचर के साथ जाओ और टिशू कल्चर को देखो ठीक है ना लेबरेटरी में जाओ अब बोल रहा है अनदर इम्पोर्टेंट अप्लीकेशन ऑफ दिस मैथड इज़ दी रिकवरी ऑफ हेल्थी प्लांट फ्रॉम डिजीज़ प्लांट मतलब इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई आपको लगातार प्लांट बीमार मतलब डिजीज़ वाला मिल रहा है तो आप चाहो तो इसे डिजीज फ्री प्लांट भी बना सकते हो ठीक है ना तो आगे ऑल्थो प्लांट इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस द मेरिस्टैम एपिकल और एक्जिलरी इज फ्री ऑफ वायरस एक इंपॉर्टेंट बात इससे क्वेश्चन बना हुआ है कि मेरिस्टेम्स वो होते हैं जो फ्री ऑफ वायरस होते हैं हैंड्स कैन रिमूव द मेरिस्टैम एंड ग्रो इन इन विट्रो ऑप्टे इन वायरस फ्री प्लांट अगर आप चाहते हो कि वो बिल्कुल वायरस फ्री प्लांट रहे तो आप उसका मेरिस्टैम पार्ट लो और उसको टिशूकल्चर से ग्रो करो आप साइंटिस्ट है मैरिस्टैम और बनाना उन्होंने टिश्यू कल्चर किया और बनाना शुगर कैन एंड पेट्रो को बनाया ठीक है साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल मतलब ऐसा है कि आप एक सेल को लो एक को ये सेल है दूसरा को ये सेल है इसकी सेल वॉल को रिमूव करो ठीक है ठीक है अब हम क्या करेंगे इनकी सेल वॉल को रिमूव कर देंगे एंड फाइनली सेल वॉल को रिमूव करने के बाद दिखा है कि सेलवॉल हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेट प्रोटोप्लॉम उसका प्रोटोप्लाज्म मिल गया फिर आइसोलेटेड प्रोटोप्लान फ्रॉम टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट दो अलग अलग जो प्लांट के जो हम जो चाहते हैं डिजायर्ड करैक्टर को लिए और दोनों को फ्यूज़ करवा दिए अब जो उनका क्योंकि प्रोटोप्लाज्म प्रोटो फ्यूज़ हो चुका है तो हम उसको बोलेंगे हाइब्रिड प्रोटोप्लाज प्रोटो विच कैन बी फर्दर ग्रो टू फॉर्म अ न्यू प्लांट और एक न्यू प्लांट बन जाएगा तो जो नया प्लांट मिला है ना मैं दोनों अलग अलग प्रोटोप्लाम्स का मिलकर उसे बोलते हैं हम सोमेटिक हाइब्रिड वाइल द प्रोसेस इज कॉल्ड सोमेटिक हाइब्राइजेशन इसमें एग्जाम्पल किसका लिया गया है पोटैटो और टोमेटो का पोटैटो और टोमेटो का जब यह पोटैटो और टोमेटो मिल जाते हैं तो एक मिलता है इसमें लिखा नहीं है तो उसका नाम है पोमैटो क्या नाम है पोमैटो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा रेड कर देते हैं क्या होता है पोमैटो तो ये हाइब्रिड प्लांट होता है ठीक है ना अब इसी बेस्ट इस साल क्वेश्चन आया था वो देख लेते हैं क्या है हाँ जी तो क्वेश्चन देखिए ये है क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन है प्लांट टिश्यू कल्चर है मेरिस्टेम कल्चर है एंड माइक्रो प्रोपेशन है तो अगर मैं सभी उन टर्म्स को थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करूं तो आपको क्या क्या दिखता है सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन का एग्जाम्पल क्या था दो अलग अलग एक तो, एक टोमेटो था एक पोटैटो था जब तो टोमेटो और पोटैटो जो मिला देते हैं हम बोलते थे हाइब्रिड प्लांट हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म हो गया तो उसे बोल रहा है प्रोटोप्लाज फ्यूज कर चुका है तो इसका क्या ऑप्शन होने वाला है पोमेटो तो अब आपके पास ए का सेकंड है तो आप देखो ए का सेकंड कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको ए का सेकंड सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिल रहा है ए का सेकंड आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिल रहा है ठीक है चौथे वाले में अब उसको और चाहिए मैच कर लेते हैं आ, प्लांट टिश्यू कल्चर प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है हम जनरली टोटी पोटेंशी वाले पार्ट को लेते हैं जिससे वो बहुत सारे नए नए प्लांट बनाते हैं ठीक है फिर उसके बाद मेरिस्टेम्स कल्चर क्या होता है मेरिस्टैम कल्चर का यहाँ पे होता है कि भाई हम प्लांट का वो टिश्यू लेते हैं जो वायरस फ्री होता है इसलिए उन्हें मेरिस्टाइम कल्चर कहा तो लिखा है वायरस फ्री प्लांट ठीक है फिर माइक्रो माइक्रोप्रोकेशन का मतलब क्या होता है माइ माइक्रो प्रोपोकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम नंबर्स ऑफ बहुत सारे नंबर्स ऑफ प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं तो क्योंकि वो आइडेंटिकली जेनेटिकली सेम होते हैं इसलिए उन्हें बोलते हैं सोमा क्लोम्स ठीक है ना तो इसका अगर आप मैच कराओगे तो ऑप्शन आपका होने वाला है फोर ये आपका टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन का क्वेश्चन है ठीक है